समाजवादी पार्टी के कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सौजन्य से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में, लखनऊ के कार्यक्रम में, शत्रुघ्न जी हैं, आप सब जानते हैं उनको। आज विशेष रूप से हमारे साथ जॉर्ज मैथ्यू हैं, जो दिल्ली से पधारे हैं लखनऊ के कार्यक्रम के लिए। और उस तरफ इस पूरी यात्रा के कोऑर्डिनेटर हैं प्रशांत गवांडे जी। मैं आपको बता दूं कि इस यात्रा में मेरे साथ लगभग 60 किसान अकोला महाराष्ट्र के हैं, जिनके साथ कभी मिलकर हमने किसानों का आंदोलन किया था। तो उनका कमिटमेंट इतना है कि वो इस यात्रा में शामिल होकर लगातार 22-23 दिन इस यात्रा में चल रहे हैं। और ये यात्रा कल शाम को लखनऊ पहुंची। हम लोगों ने शुरू किया था इसको 9 जनवरी को गेटवे ऑफ इंडिया से, और समापन करेंगे राजघाट दिल्ली में 30 जनवरी को। ये दोनों तिथियां गांधी जी के जीवन से बहुत निकट से संबंधित हैं, बहुत महत्व है उनका, और देश के इतिहास के साथ भी बहुत महत्व है। बराबर के लिए लौटे थे, और गेटवे ऑफ इंडिया, जिसको उस समय अपोलो बंदर बोलते थे, वहीं उन्होंने लैंड किया था। 30 जनवरी का महत्व तो हम सब जानते ही हैं। तो इसीलिए जहाँ से शुरुआत की गांधी जी ने देश में, और जहाँ उनकी समाधि आज है, यात्रा इन दोनों स्थानों से, इन दोनों तिथियों के साथ जोड़कर हमने किया। नाम है गांधी शांति यात्रा। हम लोग 3 संगठनों के लोग मिले थे मुंबई में 3 जनवरी को, और उसमें राष्ट्र मंच, शेतकारी जागर मंच महाराष्ट्र, और फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी एक संस्था है महाराष्ट्र में, और वहीं पर ये तय हुआ कि ये यात्रा निकाली जाए और गांधी जी के नाम से ही निकाली जाए, शांति यात्रा इसको कहा जाए। क्योंकि आज देश में जो स्थिति है, उसमें शांति परम आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान व्यवस्था को होता है जब देश में अशांति होती है। तो इसीलिए गांधी शांति यात्रा शांति का संदेश लेकर ही, सत्य और अहिंसा का संदेश लेकर ही हम लोग चल रहे हैं इस यात्रा में। और इस यात्रा क्रम में हम लोग महाराष्ट्र में रहे, गुजरात में रहे, राजस्थान में रहे, और 2 दिन पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया। आज देश में अशांति और कोलाहल क्यों है? देश में अशांति और कोलाहल इसलिए है कि सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे ये अशांति और ये कोलाहल, ये भय का वातावरण पैदा हुआ है। और वो है नागरिकता संशोधन कानून और NRC की घोषणा। देश भर में, कोने कोने में आज लोग डरे हुए हैं और आंदोलनरत हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी भी सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? सरकार की जिम्मेदारी, किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो रीच आउट करे। जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग भय से आक्रांत हैं, जो लोग आंदोलनरत हैं, उनसे बातचीत करे सरकार, उनके भय को दूर करे, उनके समस्या को सुने और देश में शांति स्थापित करे। सबसे आश्चर्य की बात है कि सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है, बल्कि केंद्र सरकार हो या जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पर एक दमन की पॉलिसी पर सरकारें चल रही हैं। आपका उत्तर प्रदेश, मैं मानता हूं कि सरकारी हिंसा का पूरे भारत में सबसे ज्यादा
देश की बदनामी हो रही है इस मामले में तो उत्तर प्रदेश की हो रही है। कानून बना, कानून को लागू कर दिया गया 10 जनवरी से, लेकिन कानून के नियम अभी तक नहीं बने हैं। और हम सब जानते हैं कि बिना नियम बने किसी कानून को हम इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते हैं, फिर भी कर दिया। जोर जबरदस्ती किसी तरह भी हम थोप कर रहेंगे जो हम करना चाहते हैं, ये अगर सरकार का एटीट्यूड बन जाए, केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का, तो फिर मुश्किल पैदा होना स्वाभाविक है। देश की जो आर्थिक स्थिति है उससे आप लोग भली भांति परिचित हैं, और आज मैं अगर आपके बीच में हूं इस हॉल में तो शायद हमें देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट CAA एंड NRC। लेकिन सरकार को उसकी चिंता नहीं है, आर्थिक स्थिति की चिंता नहीं है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी चिंता नहीं है, अकोला के किसान परेशान हैं उसकी चिंता नहीं है, देश भर के किसान परेशान हैं उसकी चिंता नहीं है, नौजवान बेरोजगार हैं उसकी चिंता नहीं है। किस बात की चिंता है? ध्यान भटकाओ, लोगों का ध्यान इन मुद्दों से भटकाकर उनको ऐसा उलझा दो पूरे समाज को कि समाज आपस में ही उलझकर रह जाए और जो मौलिक मुद्दे हैं देश के उसकी तरफ से ध्यान भटक जाए। यहीं पर इसी शहर में आकर देश के गृह मंत्री महोदय ने बयान दिया सार्वजनिक रूप से कि हम एक इंच नहीं हटेंगे, ये कोई प्रजातांत्रिक बयान नहीं है। डंके की चोट पर, डंके की चोट, देश के गृह मंत्री को यह शोभा देता है? आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पद को शोभा देता है? लेकिन सत्ता का घमंड, हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, किसी को रौंद सकते हैं, जनमानस को नज़रअंदाज कर सकते हैं, इस नीति पर आज की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो ये चल रही है। और मैंने कहा स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा, लोग अगर शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर, महिलाएं बैठी हैं, तो आप उनका रजाई और कमल उठा कर ले जाएंगे? इसको टेररिज्म की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, इस ठंडक में है उनके कमल और रजाई उठा कर ले गए। कल कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं, और इसीलिए शांति की बहुत ज़रूरत है इस देश में, और हम लोग ये शांति यात्रा लेकर चले। इसी के लिए हर जगह जाके हम अपना संदेश आपके माध्यम से और जिन लोगों से हम लोग मुखातिब होते हैं उनके माध्यम से हम लोग अपना संदेश दे रहे हैं। और मैं दो तीन ही बातें अंत में आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग मुंबई गेट ऑफ इंडिया से चले तो वहाँ पर भी शरद पवार जी आए थे सी ऑफ करने के लिए और कई पार्टियों के लोग वहाँ पर थे। हम सबका समर्थन, सबके समर्थन का स्वागत करते हैं, राजनीतिक दलों के समर्थन का स्वागत करते हैं, जो गैर राजनीतिक संगठन हैं उनके समर्थन का स्वागत करते हैं, और जगह जगह हमको ऐसा समर्थन मिलता रहा है। 30 तारीख को इस आंदोलन का अंत नहीं होगा, 30 को राजघाट पहुंचने के बाद हम लोग पुनः बैठ के विचार करेंगे कि आगे इसको कैसे हम लोग चला सकते हैं, और फिर आपके माध्यम से देश की जनता को बताएंगे। मैं कानून के बारे में सिर्फ 3 बातें कहना चाहता था। नंबर 1, मैं मानता हूं कि ये देश के संविधान के ही खिलाफ नहीं बल्कि संविधान के मौलिक ढांचे के विपरीत है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, ये जो कानून बना है इसकी कोई आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि पहले के कानून में ही सरकार को अधिकार था कि वो जिसको चाहे नागरिकता दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम हर जगह बोल रहे हैं कि देयर वाज नो नीड फॉर दिस काइंड ऑफ एन अमेंडमेंट इन द सिटीजनशिप लॉ बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड ऑलरेडी द पावर टू ग्रांट सिटीजनशिप टू एनीबडी इट विश्ड। जैसे वो पद्मा अवार्ड देते हैं अदनान सामी को, उन्होंने सिटीजनशिप मिला और उसके बाद उसको पद्मश्री मिला, तो उसी तरह सरकार को अधिकार था कि वो जिसको चाहे उसको दे सिटीजनशिप। बड़े गुलाम अली खां को दिया,
अदनान सामी को दिया, सोनिया गांधी को दिया, हजारों लोगों को इसी सरकार ने सिटीजनशिप दिया है पिछले साल, पिछले 5 सालों में। तो धर्म पर आधारित ये करने की क्या आवश्यकता थी? कहीं कहीं हमसे लोग पूछते हैं कि भाई सताए हुए लोग, ये वो लोग, इनको क्यों नहीं, इसमें क्या आपको एतराज़ है? तो हमने कहा दे दे, कानून में अधिकार है आपको, आप दे देते उन लोगों को। ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद तीसरा जो बिंदु मेरा है कानून के बारे में, वो ये है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। सरकार ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है लॉ में, उस भाषा को देखते हुए इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। और शायद सरकार की मंशा भी यही है कि इसको मत इम्प्लीमेंट होने दो और केवल भटका के रखो लोगों को। उत्तर प्रदेश इतना निराला स्टेट है पूरे देश में कि यहाँ एक पीलीभीत के कलेक्टर साहब हैं, गुजरात में मैंने उनका एक हिंदी अखबार में बयान देखा कि 37,000 लोगों को उन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है जिनको सिटीजनशिप देना है। अब बताइए, नियम नहीं बना, किसी की अर्जी नहीं आई, सिटीजनशिप एक व्यक्ति को मिलेगा ना, इट विल बी ग्रांटेड टू एन इंडिविजुअल, नॉट टू ए एंटायर एरिया और ए डिस्ट्रिक्ट और ए कम्युनिटी। हर आदमी को अर्जी देनी पड़ेगी, यही कानून में लिखा है, टू अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। उसके बाद जाँच पड़ताल जो भी होना है होगी, कुछ नहीं। और उत्तर प्रदेश में जिले जिले में लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया है जिनको देना है। तो ये एक अजीब परिस्थिति देश में बन गई है, और उसी के विरोध में और शांति स्थापित करने के लिए हम लोग इस यात्रा में निकले हैं। मैं अपनी तरफ से इतना ही आपसे कहना चाहता था, हमारे बाकी साथी आपको संबोधित करेंगे। अभी ये बोल रहे उसके बाद शत्रु जी, हाँ जी चलिए पूछिए फिर। जी नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये बहुत लेजिटिमेट प्रश्न आपने पूछा है। व्हाट वाज अंडर थ्रेट इन आवर कंट्री वेयर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके बारे में हम पार्टी में जब थे उस समय भी आवाज़ उठाते रहे, और जब हमने महसूस किया कि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो हम ओपनली पार्टी से बाहर हो गए, और उसके बाद अपना विरोध हमने जारी रखा। इसलिए अब जो हो रहा है वो उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये समाज को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है। वी आर गोइंग बैक टू प्री 1947 एरा, एंड लेट्स नॉट अंडरएस्टिमेट दिस थ्रेट, कि ये प्री 1947 एरा में उस समय कुछ और लोग इस मुद्दे को उठाते थे, आज ये लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए, असम का एनआरसी का बैकग्राउंड आप जानते हैं, वो जो असम अकॉर्ड हुआ था 1985 में, उससे निकला असम का एनआरसी, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एनआरसी असम में हुआ। लाइक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, असम एनआरसी आल्सो हैज़ बीन ए बॉस्ड अप एक्सरसाइज। पहले 40 लाख लोगों को उन्होंने गैर नागरिक घोषित किया, उसके बाद फिर दोबारा हुआ तो उसमें 20 लाख के 19 लाख के आसपास वह संख्या आई, और आज जो सरकार कानून लेकर आई है ना नागरिकता संशोधन का, अगर उसमें असम में किसी को इसमें से नागरिकता दी जाती है तो वो असम अकॉर्ड का घोर उल्लंघन होगा। बिकॉज असम अकॉर्ड में ये कहीं नहीं धर्म को आधार बनाया गया है कि एक धर्म को मानने वाले आएंगे तो उनको हम लोग स्वीकार कर लेंगे, दूसरे धर्म के मानने वाले आएंगे तो नहीं स्वीकार करेंगे। वो सारे लोग ऐसे जो आए हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, उनको निकालने की बात वहाँ पर है, क्योंकि असम के बेसिक जो उनका चरित्र है, उनका लैंग्वेज है, उनका कल्चर है, उसके ऊपर लोगों ने महसूस किया कि इसके ऊपर थ्रेट है,
तब असम अकॉर्ड हुआ, शांति स्थापित हुई। तो यू आर क्वाइट राइट कि इट वॉज अ बॉस्ट अप एक्सरसाइज, उससे भी ध्यान भटका रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद, उस एक्सपीरियंस के बावजूद पूरे देश में कह देना कि हम एनआरसी लागू करेंगे, ना उसके कॉस्ट का एस्टिमेट हुआ है, ना उसके लिए मशीनरी कितनी लगेगी उसका एस्टिमेट हुआ है, एंड यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट इन ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट। फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में सब लोग जानते हैं कि आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो दैट इज द सेम फोर्स एज लॉ। जब मंत्री खड़ा होकर बोलता है तो वॉट एवर ही सेज हैज द सेम फोर्स एज द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट के फ्लोर पर कही गई बात है। वहां आपने कहा हम देश भर में तत्परता के साथ एनआरसी लागू करेंगे, और अब उसके बाद प्रधान, जब थोड़ा प्रेशर बढ़ा आंदोलन का, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कौन है एनआरसी, वो क्या चीज होती है, डिटेंशन सेंटर कहाँ बना है भाई, कौन बनाया है डिटेंशन सेंटर, इस तरह की बात करके भरमाने का, भटकाने का काम। ये दोनों जोड़ी, जोड़ीदार जो है ना, तैयारी कुछ नहीं है। देखिए मैं हर जगह जिस जहाँ इस तरह का सवाल पूछा गया, मैंने एक ही बात कही कि इस देश में बहुत आंदोलन हुए हैं, आंदोलनों के सामने सरकार को झुकना पड़ा है, और इसलिए झुकना पड़ा है क्योंकि जनता देश की सरकार से ऊपर होती है, और इसलिए सरकार हुआ। मैं इसी सरकार का जिक्र कर रहा हूँ, जनता भी नहीं, पार्लियामेंट के सामने इन्होंने 2014 में सत्ता में आने के बाद जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लाने की कोशिश की ना, अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ, स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हुआ, इतना विरोध हुआ पार्लियामेंट में कि वो वहीं छोड़ दिया उन्होंने उसको। तो ऐसा नहीं है कि ये जो 56 इंच वाली सरकार है ये झुकती नहीं है, ये झुकती है, इसमें भी झुकेगी। हमको लगता है कि, हमको लग रहा है कि ये एक, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, धीरे धीरे करके कोई भी आंदोलन शुरू होता है। देखिए इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात यह है कि पहले नौजवानों ने मोर्चा संभाला, आज उस मोर्चे में महिलाएं शामिल हो गई हैं। ये एक बहुत अजीब घटना है इस देश में कि महिला घर का चूल्हा छोड़कर और बैठ रही हैं। आपने कहा यहाँ के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया बिल्कुल ही भोंडा बयान है, उनके पद को शोभा नहीं देता है, लेकिन ये जो आंदोलन है ये स्वतः स्फूर्त है, इट्स स्पॉन्टेनियस, और इसलिए ये आसानी से दबने वाला और ख़त्म होने वाला नहीं है, चाहे कितना भी दमन क्यों न कर लिया जाए। अब आगे क्या होगा, इसका स्वरूप क्या सब लोग मिलकर तय करेंगे, उस पर अभी टिप्पणी करना संभव नहीं है। नहीं, ये काम चल रहा था बराबर धीरे धीरे, और इस सरकार के 2014 में आने के बाद भी चलता रहा। आपने, हमने पीलीभीत की बात आपसे की, एक चैनल ने पीलीभीत जाकर इंक्वायरी की, आप गए थे, तो आपने क्या पाया, आपने पाया कि उनके पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड है ऑलरेडी। वोटर आइडेंटिटी कार्ड का मतलब दे आर सिटीजंस ऑफ इंडिया। नहीं, एक देखिए, एक तो इमिग्रेशन जो है
वो दुनिया भर के हर देश में एक प्रॉब्लम है। और जब लार्ज नंबर्स ऑफ इमिग्रेंट्स आते हैं किसी देश में, तो जो स्थानीय लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं, तो लोग भाग कर आए। बिकॉज हमारी स्थिति जो है साउथ एशिया में वो इस तरह की है कि वी एक्ट एज ए मैग्नेट। लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पर आर्थिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और कुछ लोग इसलिए भी आते हैं कि सताए गए उन मुल्कों में। ये बात मैंने आपसे नहीं कही कि दूसरे मुल्कों में भी सताए गए। देर आर 54 कंट्रीज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC में, और वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मलेशिया बगल में है, ईरान बगल में है, सऊदी अरेबिया बगल में है। तो हमने किस आधार पर लिया? बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात समझ में आती है कि देवर वी वर वन कंट्री एट वन टाइम। अफगानिस्तान तो कभी भारत का अंग नहीं था, अफगानिस्तान को इंक्लूड कर लिया। दोनों देशों बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ हम लोग के बहुत मधुर संबंध हैं, उसको गड़बड़ा दिया। दुनिया भर में भारत की एक छवि थी एज ए पुअर कंट्री, एज ए डेवलपिंग कंट्री, जिसने कि अपने देश में प्रजातंत्र को बनाकर रखा हुआ था सारे कठिनाइयों के बावजूद। उस छवि को बड़ा धक्का लगा है। और अभी यूरोपियन पार्लियामेंट में जो रेजोल्यूशन आ रहा है, उनसे पूछिए, मैं उसके खिलाफ हूँ कि यूरोपियन पार्लियामेंट में कोई इस तरह का भारत के बारे में प्रस्ताव पारित हो। लेकिन उन लोगों से पूछिए जो उनके एक डेलीगेशन को लेकर कश्मीर गए थे ये दिखाने के लिए कि सब कुछ कितना बढ़िया है। और सरकार के बैठे विदेश मंत्री उनको रात का भोजन दिलाते हैं, NSS साहब दिन का भोजन कराते हैं, प्रधानमंत्री जी मिलते हैं। अब वो यूरोपियन पार्लियामेंट की बात करें, पूरे विश्व में भारत की छवि जो है धूमिल हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सिली स्टेप।